हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल WSBCC क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार LRC। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत बड़ी खुशखबरी होगी आप लोग के लिए। यहाँ पर जो है ऑफिशियली जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जो है जारी हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग का रिजल्ट यहाँ पर जो है वेबसाइट पर पब्लिश हो चुका है। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस देख रहे हैं और यहाँ पर ऑफिशियल रिजल्ट आउट। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल बहुत बड़ी खुशखबरी है। सबसे पहले जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और आपका फाइनल पॉइंट कितना गया वो लिखकर जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट कर लेते वीडियो को और देख लेते हैं पूरी जानकारी को। आते हैं वेबसाइट पर और देख लेते हैं पूरी जानकारी को। उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले, हमारे चैनल पर जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि बिहार गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड पल पल के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगे तो तुरंत लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। तो आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं वेबसाइट पर पूरी जानकारी को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा कि देख रहे होंगे कि बिहार LRC के वेबसाइट पर हम लोग जो है यहाँ आए हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हो बिहार LRC के वेबसाइट पर आए हुए हैं और यहाँ पर इसे जूम करते हैं। फ्रेंड्स, जूम करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिजल्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये रिजल्ट का ऑप्शन। तो इस रिजल्ट पर हम लोग क्या करते हैं, क्लिक कर लेते हैं फाइनली। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे क्लिक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए, जैसे रिजल्ट पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए पोस्ट का नाम दिया है। कौन से पोस्ट का रिजल्ट आया, तो यहाँ पर विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का यहाँ पर जो है एनेक्सर 1-2 करके जो है यहाँ पर डिटेल दिया गया है और ऊपर में नोटिस जारी हुआ है, तो नोटिस को भी देख लेंगे। और यहाँ पर एनेक्सर 1-2 करके आप जो है यहाँ से डिटेल देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैंने टोटल को डाउनलोड कर रखा है, तो आप लोग यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहाँ से इजी वे में डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो है नोटिस को, नोटिस में क्या मेंशन किया गया, देन उसके बाद एक्सर 1-2 करके पूरी जानकारी को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर देख सकते हो यहां पर नोटिस ओपन हो चुका है। इंपोर्टेंट नोटिस 2/8/2019 का है। फ्रेंड्स, यहां पर देख लीजिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन वेयर इनवाइटेड अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोजिशन ऑफ स्पेशल सर्वे असिस्टेंट सिलेक्शन सेटलमेंट ऑफिसर वाज पब्लिश्ड वाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 3/2019 का था, जो कि 1/3/2019 को जारी हुआ था। इसके रिगार्डिंग यहां पर बताया, पब्लिश्ड वाइड नोटिफिकेशन नंबर 72 डेटेड 27/2/2019 द एप्लीकेंट्स वेयर कॉल फॉर काउंसलिंग इन द रेशियो ऑफ 1:2.5 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज कैटेगरीज वाइज ऑफ द पोजीशन। जो वैकेंसी थी उसमें से जो है सवा गुना कैंडिडेट्स को, मतलब यहां पर जो है 2.5 गुना कैंडिडेट्स को जो है बुलाया गया था काउंसलिंग के लिए। और यहां पर देखिए, काउंसलिंग के बारे में यहां पर डिटेल दे रखा है। फ्रेंड्स, सब्सिक्वेंट टू द काउंसलिंग फॉर द पोजीशन ऑफ स्पेशल सर्विस असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर हेल्ड ऑन 14/6/2019, 15/6/2019 एंड 1/7/2019 कैटेगरीज वाइज प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट्स एज फाइनलाइज्ड इन द काउंसलिंग बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द एप्लीकेंट्स ड्यूरिंग काउंसलिंग एंड द कॉम्प्लेंस विथ द एप्लीकेबल रिजर्वेशन रूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड द गाइडलाइंस पब्लिश्ड इन द एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ऑफ डिग्रीज होल्डर फ्रॉम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ बिहार फॉर द पोजिशन। जो भी था फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है उसका जो है काउंसलिंग के लिए यहाँ पर जो है जो लिस्ट आया था उसका जो है काउंसलिंग के लिए यहाँ पर देखिए डेट दिया गया था। उस डेट में उन सभी का काउंसलिंग हुआ था और रिजर्वेशन कैटेगरी सारे चीज़ को फॉलो करते हुए यहाँ पर जो है स्पेशल सर्वे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर का यहाँ पर जो है फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, फॉलोइंग लिस्ट आर enclosed with the notice। तो यहाँ पर एनेक्सर 1-2-3 करके जो दिया गया है उसी के बारे में यहाँ पर डिटेल दिया गया कि एनेक्सर 1 में क्या है। तो यहाँ पर देखिए, लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स एबसेंट इन काउंसलिंग 93 एप्लीकेंट्स एनेक्सर 1। जो एप्लीकेंट जो है एबसेंट हुए थे उनको जो है एनेक्सर 1 में लिया गया, तो एनेक्सर 1 में उनका लिस्ट लिया गया जिसमें 93 कैंडिडेट्स हैं। सेकेंड लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स हुज कैंडिडेट
lecturer was rejected in counseling along with reason for rejection 39 applicants annexure 2 में कोई reason जिस reason के कारण जो है counseling में जो है reject लिया गया है जो candidate को reject किया गया rejection का reason भी दिया गया और यहाँ पर जो है candidates का नाम detail सारा चीज annexure 2 में दिया गया है। उसके बाद देख लेते हैं थ्री वाले में बोल रहा है लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स हुज स्टेटस वाज चेंज्ड इन काउंसलिंग अलोंग विद द रीजंस फॉर चेंज इन स्टेटस। 105 ऐसे कैंडिडेट है जिनका जो है स्टेटस जो है चेंज का जो है लिस्ट यहां पर जो लोग स्टेटस चेंज किए थे यहां पर जो है एनेक्स 3 में उसका डिटेल जो है यहां पर दिया गया है। 4 नंबर ऑप्शन में लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स हुज रिवाइज्ड फाइनल पॉइंट आफ्टर काउंसलिंग एज बिलो द फाइनल पॉइंट ऑफ लास्ट एप्लीकेंट्स कॉल फॉर काउंसलिंग इन देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरी सब कैटेगरीज 63 applicants in extra 4 यहां पर जो है final points को लेकर के after final points रिवाइज्ड फाइनल पॉइंट को लेकर जिस हुआ था और उसके बाद उसको काउंसलिंग बुलाया गया था और उसका फाइनल पॉइंट जो है लास्ट एप्लीकेंट्स कॉल फॉर काउंसलिंग जो काउंसलिंग में लास्ट बार बुलाए गए थे उनका जो है 66 कैंडिडेट है जिसका एनेक्सर 4 में डिटेल दिया गया। उसके बाद 5 नंबर पॉइंट में देखिए लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स हुज रिवाइज फाइनल पॉइंट आफ्टर काउंसलिंग इज इक्वल टू और अबव द फाइनल पॉइंट ऑफ लास्ट एप्लीकेंट्स कॉल फॉर काउंसलिंग इन देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरीज सब कैटेगरीज इन दिस लिस्ट ऑल चेंजेस इन स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड एज स्पेसिफाइड अबव इन लिस्ट एट सीरियल नंबर 3। यहां पर जो है 493 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिसको एनेक्सर 5 में लिया गया है और यहां पर बताया दिया गया है हुज रिवाइज्ड फाइनल पॉइंट आफ्टर काउंसलिंग जो आफ्टर काउंसलिंग के बाद इज इक्वल टू अबव द फाइनल पॉइंट। बहुत कैसे कैंडिडेट्स जिनका जो है फाइनल पॉइंट इक्वल था उनको जो है काउंसलिंग के लिए जो है बुलाया गया था कैटेगरीज वाइज यहां पर जो है उसका स्टेटस सारा चीज़ जो है यहां पर इनकॉर्पोरेट किया गया था यहां पर जो है वो टोटल कैंडिडेट कितना है 493 है। उसके बाद 6 नंबर में कह रहा है कैटेगरीज वाइज प्रोविजनल सेलेक्शन लिस्ट एनेक्सर 4 मतलब आपका रिजल्ट जो है यहां पर कैटेगरीज वाइज जो है यहां पर डाला गया है एनेक्सर 6 में डाला गया फ्रेंड्स। उसके बाद 7 में कह रहा है लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सेलेक्टेड डिवाइन बॉडी एप्लीकेंट्स जो है डिवाइन बॉडी एप्लीकेंट्स का जो है यहां पर जो है डाला गया है प्रोविजनली सिलेक्शन लिस्ट जो है एनेक्सर 7 में डाला गया है। उसके बाद देखिए लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सेलेक्टेड ग्रैंड सन डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर एप्लीकेंट्स तो फ्रीडम फाइटर एप्लीकेंट्स का जो है प्रोविजनली लिस्ट जो डाला गया है वो एनेक्सर 8 में डाला गया है। उसके बाद यहां पर देखिए क्या बताया दिया गया तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए बताया जाएगा फिर यहां पर प्रोविजनली सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स विल बी इंडिविजुअली कम्युनिकेटेड ऑन द कम्युनिकेशन डिटेल्स एज फिल्ड इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म एज ऑलरेडी नोटिफाइड ऑन वेबसाइट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑल कैंडिडेट्स विल बी वेरीफाइड फ्रॉम इश्यूइंग अथॉरिटी एंड इफ फाउंड फेक और फैब्रिकेटेड देन कैंडिडेचर विल बी कैंसिल्ड एंड लीगल एक्शन विल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द एप्लीकेंट सर्टिफिकेट्स ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स मे बी वेरीफाइड एट एनी टाइम एनी पॉइंट ऑफ द ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ इवन आफ्टर सिलेक्शन ज्वाइनिंग। तो यहाँ पर बताया जा रहा है जो लोग फॉर्म फिलअप किए थे इन सभी पोस्ट के लिए तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स किसी गलत तरीके से यहाँ तक आ गए होंगे तो उनके ऊपर जो है लीगली एक्शन होगा लीगल एक्शन लिया जाएगा और साथ ही साथ उनकी कैंडिडेचर भी रद्द कर दी जाएगी। तो ये देखिए फाइनल नोटिस जो था 2/8/2019 को आया था यहाँ पर डिटेल। तो यहाँ पर अभी एक पोस्ट का आया है स्पेशल सर्विस असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर का आया। तो अब पूरी एनेक्सर 1, 2, 3 करके देख लेते हैं पूरी जानकारी को। तो फ्रेंड्स ये देखिए एनेक्सर 1 मैं खोल रखा हूँ लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन यूज्ड इन द प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट। तो यहाँ पर कौन कौन कैटेगरी के हैं तो यहाँ पर सारे का देखिए कैटेगरीज का नेम यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर देखिए एनेक्सर 1 में बताया गया था जो लोग एबसेंट हुए थे एबसेंट वाले कैंडिडेट्स का जो है काउंसलिंग में जो एबसेंट हुए थे यहाँ पर उसका जो है लिस्ट दिया गया और उसका जो है एप्लीकेशन आईडी दिया गया और बाजाबता तौर पर यहाँ पर जो है उनका नाम मेंशन किया गया है। तो फ्रेंड्स इस तरह आप लोग देख सकते हो। तो एनेक्सर 1 को आप लोगों ने देखा तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। वैसे वीडियो ऑलरेडी लग रहा है कि लंबा होते जा रहा है तो शॉर्ट में थोड़ा डिटेल देते चलता हूँ ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए देख लेते हैं एनेक्सर 2 को। तो फ्रेंड्स एनेक्सर 2 मैंने डाउनलोड कर रखा है तो यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स
whose candidature was rejected in counseling. वैसे कैंडिडेट्स का यहाँ पर लिस्ट लिया गया है जो जिनकी कैंडिडेचर जो है रिजेक्ट कर दी गई थी, कब? काउंसलिंग में, डियर फ्रेंड. तो यहाँ पर देखिए सारा चीज़ जो है रिजेक्शन का जो है कोड यहाँ पर बता दिया गया है, और यहाँ पर कैंडिडेट्स का नेम मेंशन कर दिया गया, यहाँ पर जो है एप्लीकेंट आईडी जो है मेंशन कर दिया गया है. तो इसे आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर रिजेक्शन जो किस कारण आपका रिजेक्ट हुआ है कैंडिडेचर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो. इसे डाउनलोड करोगे तो आप लोग पूरा रीज़न को यहाँ पर देख सकते हो कि किन कारण से आपका जो है कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया गया है. तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर 3 को. तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स हुज स्टेटस वाज चेंज इन काउंसलिंग, जिसका स्टेटस चेंज हुआ था काउंसलिंग में. तो यहाँ पर उसका देखिए नेम दिया गया है फ्रेंड्स, और उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी दिया गया है, जेंडर वगैरह सारा चीज़ मेंशन यहाँ पर किया गया है, और यहाँ पर आई थिंक कि फाइनल पॉइंट भी दिया गया है, और जो है नीचे देखिए इसका रीज़न भी दिया गया है. यहाँ पर जो है सारा चीज़ बता दिया गया, मेंशन कर दिया गया. यहाँ पर थोड़ा सा मोबाइल बफरिंग कर रही है, नेट बफरिंग नहीं कर रही है, मोबाइल में पीडीएफ खोलने में दिक्कत हो रही है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है. तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए दिया हुआ है रीज़न ऑफ चेंज इन स्टेटस, तो यहाँ पर सारा रीज़न मेंशन किया गया. तो इसे आप लोग देख लीजिएगा फ्रेंड्स, डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा. चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं, एनेक्सर 4 को. तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए ये एनेक्सर 4 ओपन हो चुका है, यहाँ पर देख लीजिए लिखा गया है लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स बिलो फाइनल पॉइंट लास्ट एप्लीकेंट्स कॉल फॉर काउंसलिंग. तो यहाँ पर सारा चीज़ नाम मेंशन किया गया, और हर एक चीज़ यहाँ पर जो है मेंशन किया गया है. एनेक्सर 5 को देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसे आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा. तो देखिए डियर फ्रेंड ये एनेक्सर नंबर 5 है, और यहाँ पर बताया गया लिस्ट ऑफ बैलेंस्ड एप्लीकेंट इक्वल टू और एबव फाइनल पॉइंट ऑफ लास्ट कैंडिडेट कॉल फॉर काउंसलिंग इन रेस्पेक्टिव कैटेगरीज सब कैटेगरी आफ्टर काउंसलिंग. काउंसलिंग के बाद का यहाँ पर जिसका फाइनल पॉइंट लिया गया था, यहाँ पर उसका लिस्ट यहाँ पर जो है जारी कर दिया गया. तो इस लिस्ट को भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा. आते हैं एनेक्सर 6 पर. तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अनरिजर्व कैटेगरी का जो है स्पेशल सर्वे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर प्रोविजनल सेलेक्शन लिस्ट अंडर जो है अनरिजर्व कैटेगरी. तो यहाँ पर नाम मेंशन किया गया है, जिनका जिनका नाम आया फ्रेंड्स, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है. तो यहाँ पर देख सकते हैं फाइनल पॉइंट भी यहाँ पर इंडिकेट कर दिया गया है, सिलेक्शन कैटेगरी का यहाँ पर दिया गया है हर एक चीज़. तो भाई जिनका अफसर अली बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन भाई आप लोग को जो सिलेक्शन हो गया है इसमें. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एनेक्सर नंबर जो है 7 को देख लेते हैं, देन 8 को देख लेते हैं. तो एक छोटी सी जानकारी है फ्रेंड्स, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक करें. तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं एनेक्सर नंबर 7 है, एनेक्सर नंबर 7 जो है ये है आपका जो है डिवाइन बॉडी यानी कि पीएच कैटेगरी का है. यहाँ पर जो है दिया गया है, यहाँ पर नाम मेंशन किया गया, और यहाँ पर जो है इनका सिलेक्शन के लिए यहाँ पर देखिए हो चुका है फाइनल सिलेक्शन. इनके लिए भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन भाई लोग, मिठाई तो बनती है. आप लोगों ने कहा था कि रिजल्ट आने दीजिए सर, देन उसके बाद आपको मिठाई खिलाएंगे. तो भाई रिजल्ट आना चालू हो चुका है, तो आप लोग देख लेते हैं नेक्स्ट को, 7 के बाद 8 को देख लेते हैं लास्ट वाले को. तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर आप पर स्पेशल जो दिया था स्पेशल सेटलमेंट ऑफिसर का, यहाँ पर जो है ग्रैंड सन और डॉटर यानी कि फ्रीडम फाइटर के लिए यहाँ पर देखिए इन कैंडिडेट्स का नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है, और इनकी भी सिलेक्शन हो चुकी है फ्रेंड्स. तो एक छोटी सी खुशखबरी आप लोग के लिए है फ्रेंड्स, सभी को जिनका भी सिलेक्शन हुआ है सभी को मेरे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है मैं चाहता हूँ कि अपने इस चैनल पर जो लोग विजिट करते हैं इस चैनल पर, जिनको इंतज़ार रहती है मेरे वीडियो का और जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो वो लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं किनका किनका सिलेक्शन हो चुका है. तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट.